नमस्कार जोहार आदाब, मैं हूं आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम गांव की सरकार में। और गांव की सरकार का कार्यक्रम का खबर बनाने के लिए हम आज पहुंच चुके हैं दुमका जिला के मसलिया प्रखंड, और ये मसलिया प्रखंड का कुसुमघट्टा पंचायत है। चलिए, पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है, कहीं कहीं नामांकन का दौर चल रहा है और यहाँ पर भी नामांकन अब शुरुआत होगी। लेकिन इन 5-7 सालों में इस पंचायत का जो विकास है, उस विकास को आप लोगों को दिखाते हैं। पूरे गांव आपको लेके जाएंगे, ग्रामीणों से रूबरू करवाएंगे, ग्रामीणों से पूछेंगे कि क्या विकास हुआ इन 5-7 सालों में और क्या बाकी रहा। फिलहाल मैं खड़ा हूँ कुसुमघट्टा पंचायत के पंचायत भवन के ठीक नज़दीक। आपको विकास की जो पैमाना है इसी पंचायत भवन से देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो आइए चलिए। पंचायत भवन है, और जैसे ही पंचायत भवन आप घुसेंगे तो आपके नज़र में एक आंगनवाड़ी केंद्र नज़र आएगा, जो ये आंगनवाड़ी केंद्र नर्सरी स्कूल कुसुमघट्टा नज़र आएगा। और इसके नीचे आपको एक चापाकल नज़र आएगा, जो इस गांव का सबसे बड़ा विकास है। ये चापाकल जो है शोभा के लिए, वस्तु के लिए मात्र बनाया गया है। लेकिन लोग, ग्रामीण बच्चे या इस पंचायत में आने वाले जितने भी ग्रामीण हैं, उसे प्यास तो लगती होगी, उसकी प्यास को बुझाने के लिए जितने भी लोग यहाँ आएंगे, उसकी प्यास को बुझाने के लिए यहाँ के दलालों ने, यहाँ के बिचौलियों ने या यहाँ के पदाधिकारियों ने, चाहे मुखिया ने, एक अल्टरनेट उपाय किया हुआ है। एक बहुत ही बेहतरीन कुआं बनाया है, जो आप कुआं को देख सकते हैं। डायरेक्ट इस कुआं में किसी को प्यास लगे तो डायरेक्ट इसमें कूदे, अपनी प्यास को बुझाए, साथ में इसमें स्नान भी वो कर सकते हैं। ऐसा विकास आपको कुसुमघट्टा पंचायत में देखने को मिलेगा। अगर इस पंचायत के विकास के पैमाने को नापना है तो कुसुमघट्टा पंचायत के पंचायत भवन के मेन गेट के पास आइए और इसके विकास को देखें। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस पंचायत भवन में यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं आए होंगे या कोई आला अधिकारी जिला के नहीं आए होंगे, सभी लोग आए होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने वही चीज़ लगाया होगा जो पूरे झारखंड में सभी अधिकारी लगाते हैं। कहने का अर्थ है घोड़े का नाल। जब जब घोड़े का नाल लगाया जाता है तो घोड़े को केवल घास नज़र आता है, वैसे ही यहाँ के अधिकारी नाल लगा के आते हैं ताकि उसे उस कुर्सी में बैठ के पैसा नज़र आए। बाकी इस भ्रष्टाचार जैसा रूपी ये कुआं, जिस तरह से पंचायत का विकास गड्ढे में चला गया है, ठीक वैसा ही गड्ढा पंचायत भवन के सामने में एक कुआं रूपी गड्ढा, जिसमें एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। बच्चे गिर सकते हैं, औरतें गिर सकती हैं, बुजुर्ग गिर सकते हैं, लेकिन इनसे अनभिंग है यहाँ के लोग, यहाँ के मुखिया और यहाँ के दलाल, दुलूल, बिचौलिया और दोगले किस्म के इंसान। चलिए और विकास को दिखाते हैं पूरे पंचायत में। कुसुमघट्टा पंचायत के विकास का और एक नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये चापाकल है, ठीक पंचायत भवन के सामने में है और ये पंचायत भवन का ही चापाकल है। लेकिन इसको आप देखेंगे बड़ा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक मिक्सी मशीन का रूप ले लिया है। इसमें मसाला कूटने का काम आ सकता है और अंडरग्राउंड इसमें मोटर लगाया गया है। इसमें दो काम हो रहा है, पंचायत का डेवलपमेंट के कितने अच्छे काम है। कोई महिला यहाँ आए, गेहूँ भी पीस सकती है, मसाला भी पीस सकती है। मसाला के लिए मिक्सर जो हम लोग घर में यूज करते हैं, मिक्सर मशीन का तरह काम करेगा। ऐसा विकास आपको कुसुमघट्टा पंचायत में मिलेगा। इसके पीछे रीजन है कि यहाँ पर जितने दलाल किस्म के इंसान हैं और बिचौलियों किस्म के इंसान हैं, उन्हीं के मेहनत का यह रंग है कि ऐसा विकास आपको कुसुमघट्टा पंचायत में देखने को मिलेगा। और भी कई विकास हैं, चलिए दिखाते हैं। यही है पंचायत सचिवालय कुसुमघट्टा, ध्यान से देखिए। श्रीनिवास यादव, कौन सा पंचायत? कुसुमघट्टा पंचायत है। तो ये बताइए, इन 5 सालों में जो मुखिया आपका कौन रहा यहाँ का? ये अलमेरी टूडू। तो 5 साल मुखिया का हो गया, ये 7वां साल हो गया है जी। आप लोग को प्रधानमंत्री आवास मिला है कि नहीं? नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? आवेदन दिए थे? हाँ, आवेदन कई बार दे चुके हैं। क्या बोला था? दिए थे तो बोला हो जाएगा, लेकिन होता कहाँ है।
कुछ पैसा वगैरह मांगा था क्या? नहीं, ऐसे तो मुँह में नहीं मांगा था। कितना बार दिए थे? कई बार दिया आवेदन? कई बार दिया, 4-5 बार दे चुके हैं, अभी तक नहीं हो पाया। नहीं। और उज्ज्वला गैस योजना आप लोगों को मिला था? हाँ, उठो मिला है। अभी योजना चल रहा था सरकार का पशु शेड का, हाँ वो नहीं मिला है। वो भी नहीं मिला? नहीं। शौचालय? शौचालय भी नहीं मिला है, अभी तक नहीं हुआ है। पंचायत के श्रीनिवास यादव की जगह घर आए थे, तो घर की स्थिति देख के आपको लग सकता है कि इन 5-7 सालों में केवल लूट हुआ है इस पंचायत में। विकास के नाम पर बस राशि का बंटवारा जो हुआ है बिचौलियों के बीच वही मात्र रह गया। आइए और कुसुमघट्टा पंचायत में और लोगों का घर दिखाते हैं और स्थिति दिखाते हैं कि क्या बदला और क्या बदलना बाकी। हमारे साथ में एक ग्रामीण है, उनसे पूछते हैं क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम कृष्ण चंद्र यादव। तो ये बताइए कि ये एकमात्र चापा कल के सहारे 3-3 टोला के लोग कैसे आखिर पानी ले जाते हैं? इसी में थोड़ा थोड़ा करके मैनेज करता है। 5 साल के दरमियान में मुखिया ने विकास के नाम पे क्या किया? कुछ नहीं किया, यहाँ विकास कुछ नहीं हुआ। जल मीनार आया हुआ था सब जगह, यहाँ जल मीनार नज़र नहीं आ रहा। कहाँ कहाँ जल मीनार लगा है? पता नहीं हम लोगों को कहाँ कहाँ लगा है। हम लोगों को तो सरकारी चीज़ कोई लाभान्वित नहीं, गौशाला ना, बकरी सेट ना, यहाँ चापाकल ना, घर कॉलोनी कुछ भी नहीं हुआ। सपन कुमार यादव। कौन पंचायत के हैं? कुसुमघट्टा। 5 साल रहा मुखिया जी, क्या क्या विकास किया आप? कुछ नहीं किया सर। आपका घर पक्का का या मिट्टी का? मिट्टी का है सर। वो वाला कौन वाला घर? यही खपड़ा वाला घर? खपड़ा वाला सर। आवेदन नहीं दिए थे पीएम आवास के लिए? आवास तो 2-3 बार दिए हैं सर, नाम भी आया लिस्ट में, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक। क्या बोलता था? कुछ नहीं बोला, खाली बोला हाँ हो जाएगा यही बोला सब। कौन बोलता था? बिचौलिया बोलता था कि मुखिया? हाँ, बिचौलिया सब। बिचौलिया पूरा हावी है कुसुमघट्टा में? हाँ, इधर उधर है 2-4 गो। तो मुखिया कुछ नहीं बोलता? मुखिया कैसा? कुछ नहीं, मुखिया जो है ना वो सब जो बोलेगा वही सुनेगा। मुखिया ये लोग के जितना आदमी है पब्लिक कुसुमघट्टा में, वो 2-4 आदमी की बात सुनेगा, बाकी किसी का बात वो नहीं मानेगा, यही से मुखिया है। बिचौलिया ही चुना है मुखिया को कि आप लोग चुने थे? नहीं, वो अपने सब चुने थे सब, लेकिन बोलेगा जो वही करेगा, अभी मुखिया कुछ नहीं करेगा। पानी लाने के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? पानी लाने के साले सर बोरिंग जाते हैं चपाकल, एकेटे चपाकल है खाली, इसमें पूरा टूटल है, जितना आदमी है ना यहाँ देखिए आप, दुर्गा मंदिर जो है वहाँ तक, इधर कोई चपाकल और कोई व्यवस्था से नहीं है। तो आप जल मीनार वगैरह, जल मीनार लगा कहीं? जल मीनार नहीं लगा सर, आया है सर यहाँ, एक बार झगड़ा झटी हो गए, इसलिए नहीं लगा दे पाई। कौन झगड़ा झटी किया था? ये एक आदमी था वहाँ का, वो क्या बोल रहा था? नहीं नहीं बैठा देंगे टंकी, इसलिए वो नहीं बैठाया है। चलिए, एकमात्र जल मीनार आया था वो भी एक आदमी के कारण नहीं लग, 5 सालों में विकास के नाम पे चापाकल में एक मीनार नहीं लग पाया। इसके अलावा और क्या कमी रह गया? ये जो क्या बोलते हैं बिजली खंभा में जो लाइट लगा हुआ सब खराब पड़ा हुआ, LED सब चला गया, सब ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार का भेंट, सब खराब पड़ा हुआ है। मुखिया जी कान में तेल देके सोए हुए हैं कि अब घर घर घूम रहे हैं? नहीं, मुखिया जी का वो तो दर्शन भी नहीं होता मुखिया जी का। अब तो चुनाव का बिगुल फूक गया, चुनाव अब शुरू होने वाला है, कई जगह नॉमिनेशन हो रहा है, ऐसे में मुखिया जी अभी आ रहे हैं कि नहीं आपके द्वार पे? नहीं नहीं, कहाँ मुखिया जी, खुद नहीं आ रहे इधर। इस तरह बदलने का मन है कि नहीं मुखिया की उसी को रखिएगा? क्या नाम है आपका? लालटू यादव। कौन सा पंचायत में? कसमटा पंचायत। आपको जानकारी है कि पंचायत स्तर में खेल का मैदान बनाया जा रहा है, क्या ऐसा खेल का मैदान आपके पंचायत में बना है? नहीं नहीं नहीं। कभी मुखिया से पूछ, क्या इरादा है इस बार मुखिया बदलने का? इरादा रख रहे हैं कि उसी मुखिया का रखें? नहीं नहीं, मुखिया बदलना चाहता। नाम है तपन गराई। कहाँ घर हुआ आपका? कुसुमघट्टा पंचायत भी कुसुमघट्टा। हाँ, पंचायत चुनाव शुरू हो गया। हाँ चुनाव। क्या लग रहा है कि पहले का मुखिया कितना विकास किया आपका गाँव का? मेरा गाँव का कुछ विकास। राजकुमार गोराय। कौन सा पंचायत है? कुसुमघट्टा पंचायत। कौन है मुखिया आप लोग का? मंगल है, मंगल हेम्ब्रम का भाई, मैंने नाम अलमेरी टूडू। क्या लग रहा है कि 5 साल बीत गया, कितना विकास हुआ आपका गांव का? मेरा गांव का तो विकास कुछ नहीं हुआ है, ना PCC बना है, ना पानी का समस्या भी हुआ है, समाधान हुआ है। पानी का समस्या लगता है सबसे बड़ा समस्या। जल मीनार लगा है कि नहीं आप लोग का गाँव? जल मीनार एक तो लगा है, एक ही डोल लगा है मुखिया का फोन से। संतोष गौरा है। कौन, कहाँ घर आपका? घर कुसुमघट्टा चौक में। कितना विकास हुआ 5-7 साल में? विकास तो कुछ नहीं दिखते हैं। पानी मिल रहा है कि नहीं? पानी 2003 से हम लोग को प्यास, सब सरकार से बोले हैं कि 2003 से मांग रहे हैं पानी।
जहाँ पानी है वहीं तेल पानी देता है, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी वहाँ पानी नहीं देता है। गोड़मला में अपने पानी निकलता है, लेकिन वहीं बड़ा बड़ा टैंकी बैठा है। यहाँ नहीं लगा टैंकी? नहीं। क्या नाम होता था आपका? संजय गोराई। कौन पंचायत में? किसुमगट्टा पंचायत। लग रहा है कि मुखिया पाँच साल में विकास किया है? कुछ नहीं किया है। क्या किया? बिचौलिया पूरा हावी रहा? बिचौलिया ही हो रहा है। ये बिचौलिया कहाँ से आ जाता है, इस पर अंकुश क्यों नहीं लगता है? बिचौलिया गांव से ही होता है। इसको प्रोटेक्शन कौन देता है, संरक्षण कौन देता है? मुखिया ही दे रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। डर का माहौल बना के रखा हुआ है। हाँ। यदि बोलोगे तो तुम्हें कोई योजना नहीं मिलेगा? कोई योजना नहीं मिलेगा, इतना खौफ है। और पानी दिक्कत है, और कुछ दिक्कत कुछ मोटा नहीं है, पानी की चाहिए। अरे रोड तो नहीं बने, इससे बनेगा नहीं बने कोई बात नहीं है, लेकिन पानी बहुत जरूरी है। एक चापाकल है उसमें भी खराब। पानी कहाँ से लाने जाते हैं? चापाकल। पानी भी मिल रहा अच्छा से? हाँ। पानी का कोई समस्या नहीं? समस्या होता है कि खराब होता है, उसको ठीक कराता है। क्या कोई जल मीनार लगा आपका गाँव में? मीनार जल मीनार ना। प्रधानमंत्री आवास सब गरीब लोग को मिला है यहाँ? नहीं मिला है। नहीं मिला है। आपको मिला है प्रधानमंत्री आवास? ना ना। आपको भी नहीं मिला? ना। काहे नहीं मिला आपको? आवेदन दिए थे? आवेदन दिए थे। क्या बोले मुखिया? मतलब वो जो मुखिया है ना, एक कुछ नहीं काम हुआ। काहे नहीं किया? होगा ये बोल रहे हैं। क्या बोलता है? होगा, कब होगा, मर जाएंगे तब होगा। दलाल सब क्या बोलता है? दलाल से बोल रहा है। पैसा से मांगता है क्या? हाँ, पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं दीजिएगा तो क्या नहीं करेगा काम? वो बोल रहा है जो पैसा दीजिए होगा। डराता भी है आप लोग को? हाँ, यहाँ का बहुत आदमी है, सब डरा रहा है। क्या बोलता है? एकदम जो पैसा दीजिए, जो पैसा है पैसा नहीं देंगे एकदम। ऐसे होगा तो होगा ना, ये छोड़िए। क्या नाम बताया अपना? हम ना निधाई। कहाँ घर हुआ आपका? यहाँ कुसुमगट्टा। क्या नाम है दादा आपका? की नाम? रघु। पाँच साल में मुखिया क्या क्या विकास किया है? कुछ नहीं। मुखिया किसी को नहीं, मतलब कुछ करना। क्या नाम की? की नाम रही मंगल। किछु विकास करे ना? आवास दिए छे प्रधानमंत्री आवास? ना ना ना। कॉलोनी दिए ना? उठा कॉलोनी होय छे, भांगा घोटो तो दिखे रहो छी। की बोल छो दादी? नान को ए भांगा घोटते रहो छी। भांगा घोटा छे? हां, जल पड़ छे कतो वर्षा काले। की बोल छे मुखिया वाला? की बोल छे? अगर मुखिया चुपचाप होय रहो छी। आवेदन दिए छिले? हां, आगे ओइटे दिए छी। কতো আসছেই না সামনে ড্রেন তো বলেছিল করতে, বলেছিল হ্যাঁ করবো, এই করবো এই করবো ওই করবো করবো এই করছে, কিছু করছে না। বুঝলাম, এর তো গায়ে লোটে গায়ে তো শৌচালয় পাও? চাল পাই। শৌচালয় পাখানা? হ্যাঁ। ল্যাট্রিন? বাথরুম? না। বাথরুম দেয় নাই আমাদেরকে? না। কি বলছিল? বলছে খবর 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 করে আর দিলে কি खाना खाए आज को? खाए हैं। डर उड़ लगता है मुखिया से? नहीं नहीं, डर क्यों लाएंगे। तो फिर आप लोग का विकास कायन करता है? नहीं करता तो क्या मुखिया का क्या मर्जी है? क्या बोलता है मुखिया? मुखिया बोलकर होगा बाद में होगा। अरे बिचौलिया वगैरह भी है गाँव में? बिचौली सब भी है? नहीं, हाँ बिचौलिया तो है। दलाल सब भी आता है कभी कभी कि हम करवा देंगे? नहीं, वो सब नहीं आया, सिर्फ मुखिया जी वो बोल रहे हैं कि हाँ होगा हो जाएगा, ऐसा ही बोल रहा है। पाँच साल बीत गया, अब चुनाव आ रहा है, सब अब आपका घर घर प्रत्याशी आएगा, क्या इस बार मुखिया बदलिएगा कि उसी को रखिएगा? नहीं, बदलना तो चाहिए उसको, तो बदलना चाहिए। ये कुसुमगट्टा पंचायत का स्वास्थ्य उप केंद्र है, ठीक है, हमारे पीछे चापाकल है, यानी स्वास्थ्य उप केंद्र के पीछे जो चापाकल है उसे क्या मिलना चाहिए, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि इलाज की ज़रूरत इसी चापाकल को है। अब आइए इस भवन को भी दिखाते हैं कि यहाँ इस भवन में इलाज किसका होता है और किसका किया जाता है। अब यदि भवन का नज़ारा आप देखेंगे, चारों तरफ से लिखा रहेगा आगे में स्वास्थ्य उपकेंद्र कुसुमगट्टा, लेकिन आप जब इस बिल्डिंग को देखेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि सलाइन की ज़रूरत कहीं ना कहीं इस भवन को है, क्योंकि जो भवन जर्जर हो चुकी है ये कभी भी भगवान के भरोसे हो सकती है। ऐसे में तमाम लोग जो ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि हम लोग इलाज बाद में कराएंगे, पहले इस ज़रूरत है, इस भवन की इलाज की ज़रूरत, इसे इलाज कराया जाए, इसे पारासीटामोल दी जाए। ऐसे में ये भवन आप देख सकते हैं चारों तरफ से जर्जर हो चुकी है, विकास के नाम पर बाबा जी का ठुल्लू मिला हुआ है। देखते रहिए आप लोग तब तक। जवाहर न्यूज़, धन्यवाद।